अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और अच्छे होंगे, प्यारे होंगे, स्वीट होंगे, मीठे से होंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं ये आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ। पर अभी मेरे शूज़ देखिए आप कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं और गंदे हो रहे हैं, पर मैं साफ़ कर लूँगा, कपड़ा मार लूँगा, साफ़ कर लूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त यारों के पास, जो कि एक काम आया है जो मैंने आपको बताया था। तो ये व्लॉग अभी से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने पब्लिक को भी दिखाना है कि मैं आज कहाँ जा रहा हूँ और किससे मिलने वाला हूँ। तो बहुत मज़ा आने वाला है इन दिनों में ना, मतलब आज है 11 तारीख और लग गई 12 13 को बहुत मज़ा आने वाला है। तो शूट के मतलब दिन होंगे और ये व्लॉग आप मेरा घर का नहीं देखेंगे और टिकटॉक का नहीं देखेंगे, मतलब व्लॉग ना आप देखेंगे शूट गई, रिहर्सल हो रही होगी, मतलब अलग अलग मतलब लोग आए हुए होंगे, मतलब अपने मस्ती में लगे होंगे, कोई रिहर्सल कर रहा होगा, कोई यहाँ डांस कर रहा होगा, कोई अपने टिकटॉक बना रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यूटिलाइज करवाऊंगा। तो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, क्योंकि मैं भी ठीक ठाक हूँ। हम तो जा रहे हैं शूट पर अपनी रिहर्सल पर, दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला कामयाब करें और ऐसे ही हमजा के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम बैक भाई। हम लोग यहाँ पर फाइनली पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ अभी कौन कौन है, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे हैं, अब लोग सब लोगों का यहाँ पर मतलब सब लोग जमा होंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे अपनी लोकेशन पर। तो मैं उस दिन भी आपको बोल रहा था कि ये नईम भाई हैं और मैंने यूँ कर दिया। तो आज मैं उनसे मिलवाता हूँ और उनके बारे में आपसे भी मतलब जानकारी करते हैं कि क्या चीज़ है, मतलब वो क्या चीज़ है, अपने टाइम की बला थे वो भाई, अभी भी बला है, अल्लाह पाक उनको नजरों से बहुत से बचाए। नहीं मतलब नहीं, एक बात कह रहा हूँ ना भाई, कैसे आप? ठीक है ए वन। तो काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिले हैं, फिर इस बार कैमरा नहीं हटेगा काम नहीं यार, ये भी तो मसला है ना, ये भी तो जेन्युइन मसला है, ये भी काम ही नहीं तो मिलेंगे कैसे? नहीं ऐसी बात नहीं करो अली, मेरे पास कल मिलने आया मुझे अली शेख। अली शेख आया ना, आपने हमें बोला, वो भी खुद ही आया था, दिल से दिल को रहा होती ना, आपको क्या पता है यार, अगर मुझे पता होता तो मैं भी आता अली के साथ, पर अली और मैं कल हम लोग साथ ही थे। तो कैसे आ गए अली आपसे मिलने पे? अली और मैं कल साथ बैठे हुए थे होटल पर, नजर आ रहा है रात को, वो मेरे साथ, वो अपने दो बॉयज के साथ आया। अच्छा, फिर शायद हो सकता है क्योंकि आया हो, क्योंकि फिर हम लोग मगरिब के टाइम में चला गया था घर पे। उस ये हमजा है, अपने टाइम का बहुत अच्छा डांस, बहुत बाप था अपने टाइम का, अभी पता नहीं इसको क्या हो गया, नहीं सुनेंगे तो जरूर भी फटे होंगे। अरे नहीं भाई, बदला है, बदला तो मैं खत्म हो गया हूँ, बिल्कुल ही खत्म हो गया, जीरो जीरो जी। जी मैं सुनता हूँ। तो भाई अभी ये लोग हो गए बिजी, अभी और लोगों से मिलवाते हैं कि हमारे साथ कौन कौन हैगा हैंगा। Go to the hospital, drip लगवाया, came back home, archer. I'm lying down in bed. ऐसे लगे थे जैसे लोग मुझे ना in my sleep वो मुझे बता रहे कि ये करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, and I just kept getting up, देख रहा हूँ कोई है ही नहीं बराबर में। It was like जैसे मैं अपने आप से ही बातें कर रहा था, and I wasn't even saying it, it was just mentally, it was fucked up. तो भाई हमारे फील्ड के ऋतिक रोशन, कराची के, पाकिस्तान के ऋतिक रोशन, अगर देखना है मिलना है तो मैं मिलवा भी सकता हूँ, दिखा भी सकता हूँ। तो अभी मेरे साथ ही हैं, उनका सुबह एक शूट है, तो आज उनके बारे में मतलब कल के बारे में हम उनसे पूछते हैं कि कल का क्या सीन होगा। तो अभी तो वो बिजी हैं डैनी के बाद। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? डैनी को हो गया डेंगू यार, खैर है, कोई मसला नहीं। तो वो बड़ी सीरियस कंडीशन में है, सब इसके लिए दुआ करना लाजमी। आमीन आमीन आमीन। ये कि डैनी जो भी परेशानी है, टेंशन है, ख़त्म हो गए, आमीन, क्योंकि डैनी अब खुद से ही बातें करने लग गया है। नहीं डैनी, जब ये डैनी सूफी हो गया,
डेनी सूफी हो गया। टेंशन की बात नहीं है, तुम थोड़ी ना खाना कम कर दो। लॉरेंस भाई ये तो बताएं कल का क्या सीन है? यार कल का सीन अभी मुझे भी नहीं पता, वहाँ पे सैटरडे पहुँचेंगे। अच्छा तो मुंह से ऐसा सही है, वहाँ पे सिचुएशन पता चलेगी किस हिसाब से कोरियोग्राफ करना है, किस हिसाब से चीज़ें करनी है, ठीक है, क्योंकि सेट पे ऑन द स्पॉट ही सब कुछ होगा। तो अभी मतलब कोरियो वगैरह कुछ भी नहीं है? नहीं मतलब डिजाइन भी नहीं किया? अगर गोरी होती तो उसकी रिहर्सल भी होती। नहीं तो आप तो भाई आप तो डायरेक्ट भी करा सकते हैं ना, आप तो रिहर्सल की ही नहीं है हमने। हाँ रिहर्सल नहीं की, ऑन द स्पॉट ही सब कुछ होगा। तो मतलब डिजाइन सेट होगा वैसे बोलेंगे हमें ये फ्रेम चाहिए, हम बोलेंगे चलो ठीक है, तो उस हिसाब से हम फ्रेम के हिसाब से स्टेपिंग करेंगे, उसी टाइम बताएंगे, सब अच्छे डांसर हैं उसी टाइम पिक करेंगे। पूरे दिन में हम काम खत्म करके फ्री हो गए मगरिब के टाइम घर चले जाएंगे, बस ये इतना सा काम है हमारा। तो भाई कल का और तो कुछ नहीं है ना, पूरा शेड्यूल बता दिया सही है, और तो कुछ भी नहीं है, मतलब कल का ये सीन है। कल का भी हम लोग कल बिजी होने वाले। कॉल टाइम क्या है भाई? 8 बजे पूरे प्रॉपर टाइम पे पहुंचना है, इसमें कोई ये नहीं बताया कि 1 घंटा कम बता दो जी, 9 बजे 7 बजे का कॉल टाइम नहीं, 9 बजे का कॉल टाइम हो और हम 8 बजे का बता दें, ऐसा नहीं है। अच्छा ऊपर पूरा 8 बजे का कॉल टाइम दिया उन्होंने और वही हमने बताया। सही है। वेलकम बैक गाइस। तो मतलब कल का जो दिन था वो कल की रात वो गुजर चुकी है, अभी हम लोग आए हैं दूसरे काम पर। तो आज है शूट, तो उस काम के रिहर्सल पर हम लोग अभी यहाँ से वीडियो कर जाएंगे, क्योंकि उसकी रिहर्सल है 2 दिन की, तो कल हो गई और आज भी है, और फिर वो शूट का सीन वो अलग है, ये शूट का सीन अलग है। तो यहाँ पर सेट पर लगा हुआ है, ये हमारी लोकेशन है जो कि बॉल चैनल के करीब जाकर, और ये हमारे सेट पर लगा हुआ है, और यहाँ पर मैं ये पूरा सेट है, तो ये दिखाते अभी तो नहीं है, फिर भी मैं आपको इतना रिव्यू नहीं कर रहा सेट वगैरह, तो जब भी मैं दूर से ही बना रहा हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और आज बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। अभी मतलब सब लोग तो आ चुके हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं वहाँ पर, और अंदर भी बैठे हैं काफ़ी लोग, और मैं भी बाहर आया, मैंने मतलब व्लॉग का स्टार्ट कर देते हैं, तो स्टार्ट तो हो गया है, मतलब कंटिन्यू कर देते हैं, तो कंटिन्यू कर दिया फिर। चलो रेडी और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आग लगा दी। तू देख बेटा मैं यहाँ क्या लगाने वाला हूँ। अली इसको कैप्चर कर लिया मेरे। तो अभी यहाँ पर हमारे यहाँ पर मतलब हेलो अली भाई बर्थडे पे आए हो तो ऐसे इन्होंने बोला है। अल्लाह बोला करेगा। म्यूजिक ये पूरा सही म्यूजिक दिला दे मुझे हरी हरी चूड़ी। प्लेबैक दोबारा से। तो फाइनली हम लोग शूट से फ्री होकर दूसरे रिहर्सल पे आ गए थे, जो कि हमारी शूट आज थी बल्कि कल थी। तो हम लोग यहाँ पर आए और बहुत थके हुए थे, उसामा हमारे शूट पे नहीं था, उसामा को मैंने दिखाया, उसामा अपने मोबाइल में लगा हुआ था, और सारा भी बिजी थी, और यहाँ पर रिहर्सल चल रही थी, और हम लोगों का पक्का हो चुका था, हम लोग रिहर्सल करके बैठ चुके थे, बाकी सारे लोग रिहर्सल कर रहे थे, और सारा महासूट के यहाँ पर आ गए, सारा अपने मोबाइल में लगी हुई थी, सारा ने मुझे बोला, वो इसलिए बोला क्योंकि सारा को नहीं पता था मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, और ब्लॉग में सारा को मैंने ले लिया। और यहाँ पर यह है हमारी कोरियोग्राफर जरमीना दी, तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मर है, और यहाँ पर हम लोग डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, और ये है आपका भाई जो मिलर से वीडियोस बना रहा था, तो भाई को सपोर्ट करते रहे, लाइक करते रहे, और ऐसे ही। वेलकम बैक गाइस। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं, अभी पहुंचा हूँ यार, बहुत थक गया भाई, इतनी मेहनत की, इतनी ताबों में दर्द रहा है, बहुत ही बुरी हालत हो रही। अभी मैंने उतारे, सुबह से मैंने शूज़ पहने हुए थे, अभी मैंने उतारे, तो घर की क्या हालत हो गई मैं आपको दिखाता हूँ। चलें। अम्मी क्या हुआ? अम्मी कुत्ता सड़ा, ये देख रहे पाँव भाई की, और ये रहे मेरे शूज़। ऐसी स्मेल आ रही है ना, मोज़ों की आ रही है यार, सुबह से पहने हुए थे, तो सुबह से पहने हुए थे, ये मेरे मोज़े आ गए। ओके
फिर बाद में मैं इसको यूज मतलब धो के यूज़ कर लूँगा धो कर। ऐसा तो नहीं बहुत ही गंदी हो रही यार, बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। तो भाई फाइनली अब इस व्लॉग का करते हम एंड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगला व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि अगला व्लॉग होगा शूट का। तो देखते हैं अभी यार शूट पे अलाउड होगा मोबाइल या नहीं, तो वो कल ही पता चलेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और भाई को इसी तरह सपोर्ट करते रहें। और यार मुझे मशवरा दें कि शॉर्ट्स वगैरह पे काम करूं या नहीं करूं, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कि करूं। तो आप लोग लाइक करेंगे एक बार बता देना प्लीज़, सही है? तो जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।